नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 5 जुलाई 2020, दिन है रविवार, संडे, और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 72 एपिसोड यानी कि 72वां एपिसोड लेकर आया हूं। जो सवाल कल 4 जुलाई 2020 यानी सैटरडे को आप लोगों ने भेजा था, यहाँ पे लिखे हुए नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से जिन लोगों ने भेजा था उनके सवाल सेलेक्ट हुए। बहुत सारे सब लोगों ने बिना नाम का ही अपना सवाल भेज दिया, तो जिन लोगों ने बिना नाम लिखे ही सवाल, तो उन्होंने लिखा लेकिन नाम नहीं लिखा, तो ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं रहता है कि वो जो भाई साहब हैं कौन है। तो वो वहाँ पर रूल है कि जो भी नाम नहीं लिखेंगे उनके सवाल ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए पहले तो सॉरी कि जिन लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा उनके सवाल रिजेक्ट हो गए। जिन लोगों ने प्रॉपर रूल को फॉलो करके सवाल को भेजा है उनके सवाल सेलेक्ट किया है मैंने, और उन सवालों पर अपना व्यू लेकर आया हूँ। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। तो 72वां एपिसोड है, 72 एपिसोड है, आप लोग अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरे इस सेक्शन से आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है या नहीं होता है। तो चलिए सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ और देखता हूँ। सबसे पहला सवाल कल सैटरडे को रात 12 बजे से पहले तक किन लोगों ने भेजा है, उनमें सबसे पहला नाम किनका है। तो सबसे पहला सवाल मुरलीधरन जी ने चेन्नई से भेजा है कि वो कह रहे हैं आई एम ए डे ट्रेडर हु कैन नॉट वॉच द मार्केट होल्डर। ये डे ट्रेडर है माने इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं दिन भर, लेकिन वो पूरे दिन मार्केट को नहीं देख सकते हैं। सो आई हैव बीन यूजिंग ज़ेरोधा ब्रैकेट फैसिलिटी बीओ फैसिलिटी सो फार, नाउ दे स्टॉप दिस फॉर द लास्ट 4 मंथ। 4 महीने से, पिछले 4 महीने से ज़ेरोधा ने इस ऑप्शन को बंद कर दिया है। नाउ लुकिंग फॉर सम अल्टरनेटिव ब्रोकर्स हु प्रोवाइड ब्रैकेट ऑर्डर सिमिलर इन ज़ेरोधा। सर इसमें सिंपल है, आप फायर्स को ओपन करा सकते हैं। मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैं यूज़ करता हूँ जो ब्रोकर फायर्स FYERS फायर्स, मैं आपको उसका स्क्रीन दिखा सकता हूँ फायर्स का। यहाँ पे ये है फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल, आप चाहें तो यहाँ इस पे भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ब्रैकेट कवर ऑर्डर सारे फैसिलिटी हैं, चाहें तो आप स्टॉक में ओपन करा सकते हैं। ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं जस्ट लाइक ज़ेरोधा के जैसा, तो आप यहाँ पे भी ओपन करा सकते हैं। और नाम है फायर्स, मैं लिख के बता दूँ आपको, फायर्स ये है नाम, ठीक है। तो आप फायर्स पर ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ फायर्स अकाउंट ओपनिंग लिंक है, आप उस पर ओपन करा सकते हैं। वहाँ आपको ब्रैकेट और कवर ऑर्डर की फैसिलिटी आराम से मिल जाती है। अगला सवाल है अमोल जी कोल्हापुर से पूछ रहे, अमोल कालापुरे का है अहमदनगर महाराष्ट्र से, कि यूपीएल के 463 पे 100 क्वांटिटी को इन्होंने यूपीएल को बाय किया है, ठीक है सर, और कहना चाह रहे हैं कि एन लार्सन इन टू ब्रो को 960 पे 35 क्वांटिटी। तो सर 463 पे अगर यूपीएल लिया हुआ है और वो 440 के आसपास में चल रहा है यूपीएल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 440 के आसपास में उसकी क्लोजिंग हो रही है, तो जुलाई मंथ के लिए आप इसका टारगेट जानना चाह रहे हैं। देखिए यूपीएल के पास एक रेजिस्टेंस है 465 रुपए के आसपास का, 465 का, अगर वो 465 को ब्रेक कर देता है तब तो वो 500 तक के भी ऊपर जा सकता है यूपीएल। लेकिन अगर यूपीएल 435 के नीचे निकल जाता है, यानी 435 आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर ये 435 के नीचे निकल जाता है तो 420 उसका लास्ट स्टॉप लॉस है, और उसके बाद वो 400 तक के भी नीचे के लेवल आपको दिखा सकता है। तो यूपीएल पे ये लेवल आपके सामने नज़र पे आ रहे हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, दूसरा आपने लिया हुआ है लार्सन एंड टूब्रो का स्टॉक, 35 क्वांटिटी लिया है 960 के भाव पे, 960 पे, हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है सर, 960 के भाव पे लिया, 940 के आसपास में चल रहा है, इसमें 20 पॉइंट आप लॉस में खा रहे, टेंशन नहीं ले रहा है। 960 के ऊपर अगर 960 जिस प्राइस पे आपने लिया है, अगर 960 के ऊपर अगर ये मंडे को निकलता है होल्ड करिएगा, 980 तक के टारगेट बहुत तेजी से आपको दिखा देगा एलएनटी। दूसरी बात कि आपने लिखा है फायर्स मोबाइल ऐप में निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के चार्ट कैसे ओपन होते हैं। सर फायर्स मोबाइल ऐप में आपको एप्लीकेशन में निफ्टी 50 जैसे सर्च करते हैं ना, इंडाइसेस में जाना है, माने करेंसी FNO ये सारे होते हैं ना, तो आपको FNO सेलेक्ट करके नहीं बल्कि इंडाइसेस, समझ में आ रहा, इंडाइसेस सेलेक्ट करना है और तब जाके टाइप करना है निफ्टी, तो आपको वहां पे निफ्टी के चार्ट ओपन हो जाएंगे। लेकिन वहां पे एक्चुअली करेंसी या इक्विटी बाय डिफॉल्ट रहता है, जिसकी वजह से आपको नहीं मिलता होगा, आपको सेलेक्ट करना है क्या, इंडाइसेस ऊपर में ही रहेगा ऑप्शन। जब आप खोलेंगे
फायर्स मोबाइल ऐप का, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मोबाइल कनेक्शन मेरा यहाँ पे नहीं है, नहीं तो वहाँ पे रहता, जैसे ही सर्च करेंगे उसके ऊपर में इक्विटी लिखा रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा तो वहाँ पे बहुत सारे चीज ऑप्शन आ जाएंगे, इंडेक्सेस वगैरह भी ऑप्शन आ जाएगा, FNO ऑप्शन आ जाएगा, ये सारे चीज़ें आ जाएंगे। जब ये चीज़ें आ जाती है ना, या FNO में जाके अगर आप निफ्टी भी चेक करेंगे तो आपको निफ्टी सीधा सीधी आ जाएगा, तो सीधा निफ्टी के चार्ट को आप ओपन कर सकते हैं सर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल है, अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा सर। अवध शाह साहब कोलकाता से पूछ रहे हैं कि मैं बाइंग किया है SBI बैंक, 190 का कॉल है इनके पास, ठीक है, 190 का कॉल है 10 रुपया 30 पैसे में और अभी 7 से 8 रुपए में चल रहा है SBI। सर SBI मैंने पहले भी बोला है कि SBI अब हम लोग कहाँ बनाएंगे 200 के ऊपर। बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा है SBI का तो आप उसमें देखिए, मैंने साफ बोला है 200 के ऊपर जब तक SBI अब नहीं निकले हम लोग पोजिशन उसमें नहीं बना सकते, ठीक है, 200 के ऊपर जब तक नहीं। देखिए मेरे बोलने में थोड़ी परेशानी होगी, मेरा दांतों का वो RCT हुआ है, RCT रूट कैनाल, इसके वजह से परेशानी हो रही है और आज भी मुझे जाना है इसके थेरेपी के लिए, तो इसको इग्नोर करके चलिएगा, माफ़ी भी चाहूँगा। तो वो 200 के ऊपर जब तक नहीं निकले SBI तब तक कोई पोजिशन हम लोग नहीं बनाएंगे इसमें। हाँ, ये आपको होल्ड करना, अगर ये 190 ब्रेक करता है वापस से, 190 अगर मंडे के दिन ब्रेक करता है फिर आपका कॉल ऑप्शन बच सकता है, नहीं तो अगर ये गलती से भी 180 ब्रेक कर गया तो आपका कॉल ऑप्शन में आपको बहुत लॉस उठाना पड़ सकता है अवध साहब, इसको नजर पे रखिएगा। साइने साहब सिटी जिकारपुर डिस्ट्रिक्ट मोहाली स्टेट पंजाब से पूछ रहे हैं कि कोई अगर हमें कोई स्टॉक, साइने नाम बहुत अच्छा है, कोई स्टॉक पसंद है, एग्जांपल लिबर्टी में इसकी 1000 क्वांटिटी बाय करती हूँ, अच्छा फीमेल पर्सन है आप, ठीक है, तो मुझे ये कैसे चेक करना है कि ये सेल हो सकता है या नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा ये आगे 5 पॉइंट या 10 पॉइंट के प्रॉफिट पर सेल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जिन्हें बाय कर लेते हैं पर सेल प्राइस ट्रिगर होने के बाद भी सेल नहीं होता है। वो कभी कभी होता है मैम, ऐसा होता है कि आपने जो प्राइस लगा के रखा है उस प्राइस के ऊपर अगर किसी ने अपना ऑर्डर डाल दिया है उस आपके प्राइस से भी ज़्यादा ऊपर, तो आपका प्राइस फिर ट्रिगर वहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब आपका प्राइस इनवैलिड हो गया वहाँ पे। मान लेता हूँ आपने 5 रुपये पे बोली, 105 रुपये पे बोली लगाया, मैंने 110 पे बोली लगाया, तो लोग किसको पसंद करेंगे, 105 वाला को या 110 वाला को, जाहिर सी बात 110 वाले को तो लोग मुझे देंगे ना कि आपको देंगे, ये बताइए, तो लोग मुझे दे देंगे 110 पे। इसी तरह आपके प्राइस से अगर ऊपर किसी ने ऑर्डर लगा रखा है तो पहले उसको मिल जाएगा, सीधी बात है, क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा है, एक बात ये। दूसरा ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, सर्किट लग जाता है, अपर सर्किट लग जाता है, तो आप अगर वहाँ सेल भी करना चाहेंगे ना अपर सर्किट में तो सेल नहीं हो पाएगा। अपर सर्किट में क्या होता है, सिर्फ बायर होता है, सेलर होता ही नहीं, जिसके वजह से सर्किट लग जाता है और आप वहाँ पे सेल नहीं कर पाते, लेकिन ये कभी कभी होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ सैनी मैम आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो जाता है, और बाकी चीज़ें स्टडी पे डिपेंड करता है कि कौन स्टॉक कहाँ तक जा सकता है नहीं जा सकता, एक आइडिया लग जाता है वो स्टडी करने के बाद, चार रीडिंग के बाद। मनीष जी महो से पूछ रही, महो कहाँ होगा मुझे पता नहीं, अगर पूरा लिखते तो और अभी अच्छा लगता, मेरी भी जानकारी बढ़ जाती। 10,200 का इन्होंने पुट लिया हुआ है 22 के भाव पे, 9 जुलाई का 10,200 का पुट है, तो इनका क्या हो सकता है ये पूछ रहे हैं। तो चलिए 10,200 के आपने पुट लिए हुए हैं तो हम लोग निफ्टी के कैश इंडेक्स के चार्ट को देखेंगे, ऐसे भी तो आपको इंडेक्स के एनालिसिस मिल जाएगी। इस कैंडल को छोड़ दीजिएगा, ये कैंडल मॉक ट्रेडिंग है, 4 जुलाई तो सैटरडे था तो सवाल ही नहीं है। अब देखिए 10,200 का आपने पुट लिया, पता नहीं आपने गिरते हुए इसको क्यों देखा, क्या परेशानी आ रही कि ये लग रहा है आपको गिर जाएगा नीचे की साइड में, ऐसा क्यों लग रहा है आपको। ये तब तक सेल नहीं हो सकता मनीष जी, तब तक आपका पुट नहीं भर सकता जब तक कि ये 10,500 के नीचे ना निकले। अगर ये 10,500 के नीचे निकल जाता है निफ्टी तभी आपका पुट में कुछ जान आएगा, अदरवाइज आपका पुट में लॉस हो सकता है। अगर इसने गलती से भी ब्रेक कर दिया ऊपर के लेवल में 10,650 को तो आपका पुट में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इसको आप ध्यान में रख के चलिएगा। अगला सवाल है अभिजीत डोरे साहब महाराष्ट्र से कह रहे कि
120 स्टॉक्स को सीएट लिमिटेड का लिया हुआ है, ठीक है सर। रख सीएट को रखा है तो टेंशन क्या है सर, सीएट को रखे रहिए ना 1010 पे, और एवरेजिंग करना चाहते हैं 30 और शेयर को ये एवरेज कर सकते हैं, इतनी पॉसिबिलिटी है। और तो क्या करना चाहिए सर, अभी जो क्लोजिंग चल रहा है 920 के आसपास में चल रहा है शायद, इसलिए आप डर रहे हैं। परेशानी क्या है आपको, सीएट को आपने लिया, कोई छोटा मोटा स्टॉक ये है नहीं, हाँ स्टॉप लॉस लेकिन मेंटेन हमेशा रखिए, 890 रुपए का स्टॉप लॉस होल्ड करके रखिए। लेकिन अगर इसने ब्रेक कर लिया ऊपर की साइड में 940 को, तो फिर आपके बल्ले बल्ले है, आपका एंजॉय होगा, आपको कहीं टेंशन वाली बात आपको नहीं होगा। 940 ब्रेक करने के बाद आपको बहुत तेजी से बाउंस आता हुआ दिखेगा, जो 1000 तक भी लेके इसको जा सकता है। लेकिन अगर 860 को ब्रेक कर गया नीचे की साइड में, 890 को, तो फिर आपको निकलना पड़ेगा, लक्ष्मण रेखा डिसाइड करके अपना रखिए सर वहाँ पे, 890 के नीचे आपको निकलना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लगा लीजिए। संबित कुमार जैना साहब भद्रक उड़ीसा से कह रहे कि विप्रो को 225.60 रुपए पे। सर विप्रो का जो लेवल है ना अब 230 के ऊपर खुल रहा है विप्रो। कल भी मैंने निफ्टी आईटी फार्मा स्टॉक्स एनालिसिस, मैंने आज जो आपको मिला होगा चैनल पे निफ्टी आईटी और फार्मा स्टॉक्स एनालिसिस, उसमें मैंने विप्रो के बारे में साफ बोला है 230 के ऊपर, 230 के ऊपर निकलेगा तो आपको 240 से 50 तक के टारगेट आएंगे। लेकिन अगर इसने 220 को ब्रेक कर दिया, अभी क्लोजिंग चल रही है 225 के आसपास में, आपने वहीं पे लिया हुआ, आप कुछ पॉइंट प्रॉफिट में तो हैं, लेकिन बस ध्यान रखना कि 220 के नीचे ये नहीं निकले। अगर ये 220 के नीचे निकलता है तो फिर आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। राकेश वर्मा साहब एटा से कह रहे हैं क्या रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्री अभी भी पेनी शेयर है, या उनके अधिग्रहण के बाद इन शेयर में निवेश की कोई संभावना है। देखिए पेनी शेयर का ना राकेश सर, हमारे इंडिया में अलग अलग डिफिनेशन है। पेनी शेयर पहले के समय में, आज से 10 साल पहले की बात बताऊं, पेनी शेयर उन स्टॉक्स को कहा जाता था जिनका प्राइस वैल्यू 10 रुपए से नीचे होता है, ठीक है। डिफिनेशन ऐसे था कि जिस स्टॉक्स का प्राइस वैल्यू 10 रुपए से नीचे होगा उसको पेनी शेयर बोलते हैं। फिर उसके बाद उसका डिफिनेशन को चेंज किया गया, फिर 25 रुपए पे आ गए कि जिस स्टॉक का प्राइस 25 रुपए से नीचे होगा तो वो पेनी शेयर होगा। तो फिर जैसे ये 25 रुपए वाला बात आया ना, बस वहां पे एक किंतु लग गया, क्या हमारा IDFC फर्स्ट बैंक भी पेनी शेयर है, क्योंकि वो तो 25 के नीचे है। तो फिर डिफिनेशन को वहाँ पे चेंज करना पड़ा, कुछ होशियार लोगों ने जो जैसे तैसे चलाते हैं अपने हिसाब से, उन लोगों ने फिर कि नहीं, पेनी शेयर हम उसको कहेंगे जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा हमारा, जिसमें अनसर्टेनिटी कम होगी, ज़्यादा होगा, प्राइस कम होगा, दैट मीन्स हमेशा सर्किट लगता रहेगा, हमें पैसा वैल्यू कम रहेगा, सर्किट लगता रहेगा, अनसर्टेन ज़्यादा रहेगा, रोज 5-5, 10-10% का सर्किट लगाए, उसको हम पेनी शेयर कहते हैं। तो इस हिसाब से रुचि सोया आलोक इंडस्ट्री में अभी भी सर्किट लग रहा है, चाहे वो अपर का लगे चाहे लोअर का लगे। लेकिन अब मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि अब वो पेनी शेयर तो बिल्कुल नहीं रहा। 1500 का स्टॉक को कोई पेनी शेयर बोलेगा, सवाल ही नहीं है। पेनी शेयर 10 रुपए के नीचे, मेरा अभी भी मानना है जो स्टॉक 10 रुपए के नीचे होगा वही मेरे लिए पेनी शेयर है। अब रुचि सोया 1500 का हो गया, पेनी शेयर हो सकता है, नहीं। आलोक इंडस्ट्री 50 रुपए का हो गया, नहीं है। तो अब इसमें निवेश की संभावना बिल्कुल है सर, पूरा है। और रुचि सोया में तो आपको निवेश की संभावना 50 के ऊपर ही मिल रहा था एक बार, लेकिन आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। ये अब पेनी शेयर नहीं रहा, एक लाइन में जवाब दूं कि ये अब पेनी शेयर बिल्कुल भी नहीं रहा। जब भी मौका मिले आप इसमें बाय करके लेके चल सकते हैं, लेकिन आप अपना भी जरूर स्टडी कर लें राकेश साहब, और अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अगला सवाल है मनोज जी आरा बिहार से कह रहे कि शकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड 2 से 3 साल के लिए लेना चाहता हूँ, अपना बहुमूल्य सुझाव या ओपिनियन बताएं। तो शकुमा सर वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करती है शकुमा, ठीक है, आपको लेना है 2 से 3 सालों के लिए लेना है। लेकिन याद रखिए ये भी सर्किट लगा के ही चलता है, और ये पेनी शेयर है। अभी के हिसाब से शकुमा क्या है, पेनी शेयर। मैं आपको शकुमा के चार्ट दिखाता हूँ, तो 8 रुपए या 9 रुपए के आसपास में शकुमा चल रहा है, दिखाता हूँ अभी, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए शकुमा है ना 7 रुपए, और ये किसका है, ये BSE का, ये NEC का, देखिए अच्छा ये NEC का है। तो ये क्या है, ये 7 रुपए के नीचे का है, तो इसका मतलब ये क्या है, पेनी शेयर है ना, ये पेनी शेयर। और अगर आपको लेना है 2 से 3 सालों के लिए, तो सर 1 रुपया ज़्यादा मिले या 1 रुपया कम मिले, क्या फर्क पड़ता है, जब आपका व्यू लंबा है कोई टेंशन नहीं है, आप बने रहिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर लिए, लेकिन एक याद रखिए, एक हमेशा स्टॉप लॉस डिसाइड करके चलिएगा। और इसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, यही 3 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा, बड़ा स्टॉप लॉस है। 6 रुपए के आसपास अगर मिले तो एक पोजीशन बनाने का आप सोच सकते हैं इसमें।
अदरवाइज अभी थोड़ा होल्ड नजर पे रखिए। हाँ, अगर लंबा व्यू रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 1 रुपया ऊपर या 1 रुपया नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप ले सकते हैं सर। एके रस्तोगी साहब सिंगरौली में एमपी से कह रहे कि एट प्रेजेंट लेवल कैन आई बाय कोल इंडिया एंड बीएल। देखिए, बीएल कोल इंडिया दोनों आपने पीएसयू ही चुना है, यानी कि सरकारी कंपनी। याद रखिए, सरकारी कंपनी लॉस नहीं देती, लेकिन वो प्रॉफिट कब देगा ये नहीं पता। जो मैं लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ उस शब्द को ध्यान से सुनिए, सरकारी कंपनी कभी लॉस नहीं देती, पर वो प्रॉफिट कब देगा ये बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि वो सरकार के फुल्ली डिपेंड करता है, सरकार की कार्यशैली पे पूरा पूरा डिपेंड करता है, सरकार के काम करने के तरीकों पे। तो आप कोल इंडिया को बाय करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। 138 के ऊपर अगर कोल इंडिया निकलता है तो 145 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट इसका हो सकता है। दूसरा, आपने BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेवल सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है 100 रुपीज के आसपास। अगर 100 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो एक बार ये 108 तक जाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज अगर ये 90 के नीचे निकल जाता है तो फिर सेल के लेवल बनेंगे 84 के टारगेट के लिए। लंबा व्यू है आपका 3 से 4 साल 5 साल, तभी लीजिएगा, शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं है। घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि आई है अबाउट बालकृष्ण क्वांटिटी 500। अच्छा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के 500 शेयर को इन्होंने खरीदा हुआ है, भाव है 1280 रुपया 55 पैसा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, और 3 मंथ के लिए लिया है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपने 3 मंथ के एक अच्छे ब्रेकआउट पे आपने लिया। जो अभी प्राइस चल रहा है क्लोजिंग, वो 1314 रुपये के आसपास में चल रहा है, यानी 35 रुपये के आसपास में आप तो प्रॉफिट में चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बने रहिए। बस ध्यान ये रखना है आपको कि ये 1300 के नीचे ना आ जाए। अगर ये 1300 के नीचे आ जाता है तो आपको एक बार निकलना पड़ेगा या प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा सर। अहमद जी चेन्नई से कह रहे हैं, आई हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग इंट्राडे फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज एंड माय इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 10,000 टू स्टार्ट विद। 10,000 के साथ इंट्राडे इन्होंने शुरू किया, बहुत बढ़िया। माय क्वेश्चन इज आई बुक प्रॉफिट अराउंड 200 to 400, 200 से 400 ये बुक करते हैं बेस्ड ऑन द लाइव कॉल्स, बट द ब्रोकरेज चार्जेस कम्स अराउंड 300, विच अगेन आई एंड अप ऑन लॉस। अच्छा, ये 200 से 400 तो प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन बाद में ब्रोकरेज 300 का आ जाता है, तो फिर ये लॉस में ही रह जाते हैं। आई एम फॉलोइंग योर लाइव कॉल्स डेली एंड आई एम श्योर यूर क्वाइट बिजी। देखिए, आप जो मैं कहूँगा वो आप मानेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो आप पहले कहीं पे लिख लीजिए कि मैं जो बोलूँगा वो आपको नहीं मानना है, क्योंकि आप मान ही नहीं पाएंगे। आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं सर, आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं। आप अगर ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आप चाहे 200 प्रॉफिट कमाएं या 400 प्रॉफिट कमाएं, आपको लॉस ही हमेशा होना है। और मैं अपने व्यूवर से जानना चाहूंगा, क्या 200 से 400 जब प्रॉफिट होता है तो क्या 300 ब्रोकरेज कभी बनता है क्या? नहीं बनता है सर। 300 ब्रोकरेज तभी बनेगा जब आप जबरदस्ती के ओवर ट्रेड कर रहे हैं। TCS खरीद लिया, विप्रो खरीद लिया, इंडिया बुल खरीद लिया, टाटा स्टील खरीद लिया, रिलायंस खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, मैंने खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, कोई ये नहीं डिसाइड करना है कि कितना सा करना है, नहीं, बस किए जाओ। तो इसको कहते हैं ओवर ट्रेड। जब आप ओवर ट्रेड करते हैं ना सर, तो आप अपने लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने ब्रोकर के लिए काम कर रहे होते हैं, ब्रोकर का पेट भर रहे होते हैं, तो ब्रोकर तो उसका चार्ज लेगा कि नहीं लेगा। तो हमेशा याद रखिए, जब आप ओवर ट्रेड करते हैं, कोई भी बंदा ओवर ट्रेड करता है तो वो हमेशा लॉस में ही रहेगा, याद रखिए इस बात को। तो 200 से 400 के प्रॉफिट होने के बाद भी कभी 300 ब्रोकरेज नहीं बनता है सर। अगर आपने एक से दो ट्रेड में भी 200 से 400 का प्रॉफिट बनाया तो 300 का तो ब्रोकरेज बन ही नहीं सकता। मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मुझे तो कभी नहीं बना। आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब लिमिट से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, आप इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपका एक दिन में जो ट्रेड होता है ना, माने स्टॉक्स में, मैं बता दूं कम से कम आप 6 से 7 या 8 ट्रेडिंग करते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मैं यहाँ तक मान रहा हूँ। आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्या मैं आपको गलत बोल रहा हूँ। आप बिल्कुल 7 से 8 ट्रेडिंग करते होंगे या उससे भी ज़्यादा करते होंगे, इसलिए आपका ब्रोकरेज उतना आ रहा है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, है ना। अगर जब तक आप ओवर ट्रेडिंग नहीं रोकेंगे तब तक आपको हमेशा प्रॉफिट होने के बाद भी लॉस होगा या कम प्रॉफिट होगा, सारा ब्रोकरेज में चला जाएगा, इस बात को हमेशा याद रखिए। और एक चीज़ और, कि मैं बिजी रहूं या ना रहूं, अगर आपने रूल के हिसाब से सवाल भेजा है तो आपका जरूर सेलेक्ट हो जाएगा सर। आपने अपना नाम लिखा, शहर का नाम लिखा, अगर ये दो में से एक भी गायब हो जाता तो ये रिजेक्ट हो जाता अपने आप। रामस्वरूप साहब प्रजापत साहब डिस्ट्रिक्ट सिकार से कह रहे हैं
कि शेयर योर व्यू, आई हैव SBI कार्ड। अच्छा, SBI कार्ड 755 पे लिया है, पेट्रोनेट को 260 पे लिया है, और HDFC को 1102 पे लिया है, HDFC बैंक को सॉरी। तो SBI कार्ड, मेरा SBI कार्ड पे ना न्यूट्रल व्यू रहता है सर, SBI कार्ड पे मेरा न्यूट्रल व्यू रहता है हमेशा। आपने 755 पे लिया है, चल कितना रहा है 675, 100 पॉइंट के लगभग, लगभग 75 पॉइंट के आप लॉस में। 690 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा SBI कार्ड, तब तक आप प्रॉफिटेबल इसमें नहीं हो सकते। पहली बात, स्टॉप लॉस आपको बड़ा बनता है, 620 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पेट्रोनेट में एक ब्रेकआउट आया हुआ है, आपने पेट्रोनेट लिया हुआ है, शायद ब्रेकआउट देख के ही लिया होगा। पेट्रोनेट LNG ना है आपका, सिर्फ पेट्रोनेट LNG में एक ब्रेकआउट आया, मैं देख रहा था फ्राइडे को लास्ट चार्ट, तो इसमें एक ब्रेकआउट आया है और क्लू 274-75 के आसपास चल रहा है, आपने 60 पे लिया है तो 15 पॉइंट आप प्रॉफिट में बने रहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए इस कंडीशन में, 268 रुपए का, 268 का इसमें स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना होगा। HDFC बैंक 1102 पे लिया है, लेकिन अब HDFC बैंक में हम 1120 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे सर, मैंने बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस में बता दिया है कि 1120 के ऊपर नया पोजीशन बनाएंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। नीचे अगर 1060 को ब्रेक करेगा आपको निकलना पड़ेगा, वरना आपको बड़ा लॉस हो सकता है HDFC बैंक में, याद रखिएगा रामस्वरूप साहब। अगला सवाल देखता हूँ किनका है। अच्छा दोस्तों, लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे कॉल मिलेगा। बिरला कॉरपोरेशन को बाय किया हुआ है 560 रुपये पे, बिरला कॉरपोरेशन। और दूसरा है NIACL को 112.50 रुपये पे लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका देखना चाहते हैं क्या है, आपने 565 पे लिया है, बहुत बढ़िया बात है सर, और क्लोजिंग 610 के आसपास में बिरला कॉरपोरेशन चल रहा है, तो आपको जो इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा ना, आपको स्टॉप लॉस उसी प्राइस का लगाइए 575 रुपए का, कम से कम 10 पॉइंट अपने बाइंग प्राइस से ऊपर लगाइए। अगर ये 626 या 30 को ब्रेक करता है बिरला कॉरपोरेशन तो 660 तक जाएगा। दूसरा आपने NIACL लिया, NIACL तो इसके चार्ट मुझे याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ। NIACL आ गए, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये स्टॉक्स में उतना जान नहीं है सर, लेकिन आपने ले लिया है, कितना पे लिया है 112 पे, 119 वगैरह चल रहा है ना, तो 7 पॉइंट तो आप प्रॉफिट में, ठीक है स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 110 का स्टॉप लॉस लगेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर ये ब्रेक नहीं करे 125 को तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, 125 ब्रेक करेगा फिर आप बने रहिएगा। दूसरा आपने एक और स्टॉक लिया हुआ है शायद ना, एक्सेलिया सॉल्यूशन 947 पे, चलिए चेक करते हैं 947 पे एक्सेलिया सॉल्यूशन, देखें ये लिया है आपने 947 पे, 35 चल रहा है, यानी कि आप 8 पॉइंट निगेटिव है। स्टॉप लॉस आपको 910 रुपए का लगाइए, होल्ड करिए, अगर ये 950 ब्रेक करता है तो फिर 975 से 1000 तक के टारगेट आपको एक्सेलिया सॉल्यूशन दे सकता है सर। कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनको मैं फॉलो नहीं करता, उनका प्राइस मुझे याद नहीं रहता है। ये सवाल था सुनील शर्मा साहब का, बलिया UP यानी उत्तर प्रदेश से, अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा सर। जीत जी मंगलुरु से कह रहे हैं कि NTPC के 90 शेयर को लिया, एवरेज प्राइस है 93 का, ठीक है सर कोई टेंशन नहीं है, NTPC सरकारी कंपनी है, मार्च 2020 से होल्ड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल के लिए लिया हुआ है NTPC को। ये स्टॉक ऊपर साइड में 100 रुपये टच करके वापस फिर 90 तक आता है लास्ट 3 मंथ में। सर अभी मैंने PSU स्टॉक्स के बारे में एक बात कहा कि ये सरकारी स्टॉक है, लॉस नहीं देगा, लेकिन प्रॉफिट कब देगा ये नहीं पता, आप समझ रहे मेरी बात, लॉस आपको नहीं देगा लेकिन प्रॉफिट कब देगा ये बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है सरकार के काम करने के तरीकों पे, इसीलिए PSU स्टॉक में उतने मूवमेंट मिलते नहीं है। 100 का ही इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक 100 का, 104 का, 1010 का टारगेट नहीं आ सकता, नीचे 88 का स्टॉप लॉस लगेगा। दूसरा आपने रखा है आइनॉक्स लीजर, तो इसमें बने रहिए, आइनॉक्स लीजर 255 पे आपने लिया हुआ है, आइनॉक्स लीजर और PVR दो ही तो है कंपनी, अगर आपने PVR नहीं लिया है तो आइनॉक्स लीजर लिया है, ठीक है 255 पे लिया है, 232 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। अभी सारा कोरोना के वजह से पिक्चर सिनेमा हॉल बंद है, जिसके वजह से ये टेंशन हो रहा है, अदरवाइज स्टॉक्स में खराबी नहीं है। हाँ, आप होल्ड कितना दिन कर सकते हैं इस पर डिपेंड करता है, इसका रेजिस्टेंस है
275 का, अगर ये 275 ब्रेक कर दे तो फिर ज्यादा मजा आ जाएगा, फिर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे सर। निशिकांत पटवर्धन साहब पुणे से कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से पिछले साल से जुड़ा हुआ, ट्रेडिंग के क्षेत्र में आप मेरे गुरु हैं सर, आपको गुरु पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर आज, साथ ही टेलीग्राम पे भी आ रहे हैं, उसके लिए सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरु तो नहीं हूँ, बस जो आता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आपके चैनल से आप अच्छी तरह सिखाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपका भी धन्यवाद। सेंसेक्स के बारे में सर कुछ जानकारी दीजिएगा, और आईबुल को इन्होंने बाय किया 157 पे 80 क्वांटिटी, कब तक होल्ड करूँ? होल्ड रखिए सर, आईबुल में तो अभी प्रॉफिटेबल आप चल रहे हैं, आईबुल में ब्रेकआउट भी आया हुआ है, 157 पे लिया, 157 लिया, चल रहा है 235 के आसपास में, तो अभी अच्छा एक बात ऊपर 265 भी गया था, अभी होल्ड रखिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 200 का राउंड नंबर में और होल्ड करके चलिए। और दूसरा है सेंसेक्स, सेंसेक्स सर जैसे निफ्टी है वैसे सेंसेक्स है, बीएसई की एनईसी के द्वारा बनाया गया ब्रॉडर इंडेक्स निफ्टी है, उसी तरह बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक्स के द्वारा बनाया गया 30 स्टॉक्स के सूची को, निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, निफ्टी 50 जिसको बोलते हैं, उसी तरह बीएसई ने जो बनाया है इंडेक्स उसका नाम उसने सेंसेक्स रखा है, जिसके अंदर 30 टॉप कंपनी है उसको सेंसेक्स बोलते हैं। इतना सा छोटा ही मतलब में आप समझ लीजिए, बाकी डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा सर। शुभम जी नासिक महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ यूएसडी एनआर इन फायर्स एंड जेरोधा एंड अपस्टॉक, कि डिफरेंस क्यों होता है जेरोधा फायर्स एंड अपस्टॉक में? सर मैं फायर्स को फॉलो करता हूं, मैं पहले अपना बता दूं क्यों होता है, ये उनका चार्ट प्रॉब्लम है जेरोधा या अपस्टॉक का, है ना, मैं हमेशा फायर्स को फॉलो करता हूं इस मामले में, और अभी तक तो मुझे धोखा नहीं दिया है, एक बात तो ये हो गई, क्यों आप किस पे बिलीव करते हैं ये डिपेंड करता है। दूसरा एंड ट्रेडिंग व्यू आल्सो शोज डिफरेंट प्राइस फॉर इम्प्लाइड टाइम, देखिए ट्रेडिंग व्यू में 23 मार्च के आप 26 मार्च भी देखेंगे, 2 जनवरी भी देखेंगे, आपको अलग प्राइस नजर आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में फ्यूचर का चार्ट नहीं होता, वहाँ इंडेक्स का चार्ट होता है, रिपीट कर रहा हूँ शब्द को ध्यान से सुनिए, ट्रेडिंग व्यू में फ्यूचर का चार्ट नहीं होता, इंडेक्स का चार्ट होता है, इंडेक्स का प्राइस अलग चलता है, जैसे निफ्टी का इंडेक्स प्राइस अलग होता है, निफ्टी का फ्यूचर प्राइस अलग होता है, उसी तरह यूएसडीएनआर का इंडेक्स प्राइस अलग होता है और फ्यूचर प्राइस अलग होता है, तो हम लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में ट्रेड नहीं करते, और वहाँ ट्रेडिंग व्यू पे इंडेक्स का चार्ट होता है, इसके वजह से प्राइस अलग होता है। विच आर द मोस्ट लिक्विड और ट्रेडेड करेंसी पेयर फॉर होल्डिंग और इंट्राडे अदर देन यूएसडीएनआर? मैं यूएसडीएनआर ही फॉलो करता हूँ सर, ज्यादातर यूएसडीएनआर ही फॉलो करता हूँ, अदर किसी भी करेंसी को मैं फॉलो नहीं करता, इस वजह से मैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा सर कि दूसरा उसके अलावा कौन सा है, तो बहुत सारा, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, जीबीपी है, तो जापान का येन भी है ना, ये सारे भी है, तो लेकिन जो वॉल्यूम है वो करेंसी यूएसडीएनआर में ज्यादा वॉल्यूम है किसी के भी अपेक्षा। दीपा जी पूछ रही है कि आई हैव सेल वन लॉट ऑफ M&M 499 और ये पुणे से हैं, तो बता दूं कि M&M को खरीदा है 499 रुपए पे, और सेल क्या है, आई हैव सेल वन लॉट ऑफ हीरो मोटो, अच्छा एक लॉट हीरो मोटो को 2590 पे सेल कर दिया है, और M&M को सेल कर दिया है 499 के आसपास में महिंद्रा एंड महिंद्रा को, ठीक है सर, तो इनका मेरा क्या व्यू हो सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे? बहुत ही सिंपल है, अपने महिंद्रा एंड महिंद्रा को 490 पे सेल किया हुआ है और वो चल रहा है 535 के आसपास में, मैं कैश के चार्ट बताता हूँ, आपको पता है मैं फ्यूचर के चार्ट नहीं बताता, तो कैश में अगर ये 525 नीचे ब्रेक करता है ना, तब तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में आ जाएंगी, अगर ये ब्रेक नहीं करता, गलती से भी ऊपर ब्रेक कर जाता है 540 को, तो फिर आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा, तो कोशिश करिए ये किसी भी तरह से 520 के नीचे निकले तो मजा आ जाएगा। अगला दूसरा है आपका हीरो मोटो, हीरो मोटो का भी कैश के चार्ट आपने सेल किया हुआ है, दिक्कत है कि ये ब्रेकआउट वाले स्टॉक को आपने सेल कैसे कर दिया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, हाँ अगर ये जब तक ब्रेक नहीं करे नीचे 2690 को हीरो मोटो, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में नहीं आ सकती, 2690 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको ब्रेक होना चाहिए, अदरवाइज आपको लॉस में ही निकालना पड़ेगा। तो ये अंतिम क्वेश्चन था दीपा जी का, जो कि मैंने आपको यहाँ पे जवाब दे दिया है, तो ये आपके सवाल मेरे जवाब का 72वां एपिसोड था, जिन लोगों ने रूल के हिसाब से भेजा उनके सवाल मैंने सेलेक्ट किए, जिनके
जिन्होंने शहर और अपना नाम नहीं लिखा उनके सवाल रिजेक्ट हो गए, उनके लिए सॉरी। तो उम्मीद करता हूँ अगली बार आप लोग पूरे रूल के हिसाब से जो यहाँ मैंने लिखे हैं उनके हिसाब से सवाल भेजेंगे। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, जिनके सवाल सेलेक्ट हुए हैं और जिन्होंने इस वीडियो को देखा है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हेल्प होगा मेरे इस सेक्शन से। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।